दोस्तों, ज्ञानवापी मस्जिद, ताजमहल और कुतुब मीनार के हिंदू धर्म स्थल होने का विवाद अब अजमेर शरीफ दरगाह तक पहुंच गया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शाहान परवीन और आप देख रहे हैं जनता की आवाज। जनता सुनती है, जनता देखती भी है, जनता टोकती है, जनता रोकती भी है, जनता सिसकती है, जनता रोती भी है। तुम्हें नहीं दिखता, कमी तुम्हारी है, और फिर उठती है जनता की आवाज। दोस्तों, जो आज देश में हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद को लेकर विवाद हो रहा है, ये अच्छा संकेत नहीं है। आए दिन ये खबर देखने को मिल जाती है कि पहले मंदिर था जिसे तोड़कर मस्जिद बना दिया गया, या ये दावा किया जाता है कि मस्जिद में शिवलिंग रखा हुआ है। दोस्तों, ताजमहल, कुतुब मीनार के बाद अब बारी आ गई है राजस्थान में जाने माने मौजूद अजमेर शरीफ की। जी हाँ, हिंदूवादी संगठन महाराणा प्रताप सेना ने दावा किया है कि अजमेर में हजरत मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में स्वास्तिक सहित कई हिंदू प्रतीक चिन्ह हैं और इसका सर्वे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से कराया जाना चाहिए। महाराणा प्रताप सेना के राजवर्धन सिंह परवार ने दावा किया है कि दरगाह की दीवारों और खिड़कियों में हिंदू धर्म से संबंधित प्रतीक है। वहीं इस दावे को दरगाह के खादिम कमेटी ने खारिज करते हुए कहा कि दरगाह में कोई भी स्वास्तिक का निशान नहीं है। दोस्तों, अब ना ये बहुत बढ़ता जा रहा है। कुछ लोगों की वजह से हमारे देश में शांति का माहौल खराब किया जा रहा है, जिसे कंट्रोल करना बहुत जरूरी हो गया है। हर रोज इस मामले में कुछ ना कुछ हमें देखने को मिलता रहता है। टीवी चैनलों पर हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद को लेकर डिबेट होते रहते हैं, लेकिन इस पर लगाम लगाने के लिए सरकार या उनके मंत्रियों से कोई सवाल जवाब नहीं किया जाता। दोस्तों, महाराणा प्रताप सेना ने राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत को बकायदा पत्र लिखकर दावा किया है कि ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह अतीत में एक प्राचीन मंदिर था। इसकी दीवारों और खिड़कियों पर स्वास्तिक चिन्ह मिलने का दावा भी किया गया है। साथ ही सीएम को चेतावनी देते हुए ये भी कहा गया है कि एक हफ्ते में जांच नहीं हुई तो केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे, और फिर भी कोई समाधान नहीं निकला तो एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा, और फिर भी बात नहीं बनी तो महाराणा प्रताप सेना के कार्यकर्ता 2000 की संख्या में अजमेर जाएंगे और बड़ा आंदोलन करेंगे। देखिए दोस्तों, मैं भी अजमेर जा चुकी हूँ, एक बार नहीं कई बार, पर मुझे आज तक वहाँ ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। इस दरगाह में हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के करोड़ों लोग आते हैं। ये दरगाह आज से नहीं बल्कि 800 साल से है। वही दोस्तों, इसी मामले में दैनिक भास्कर ने दरगाह शरीफ जाकर पड़ताल की। पड़ताल में उनकी टीम को दरगाह में किसी भी हिस्से में ऐसी कोई भी जाली नहीं मिली जिस पर स्वास्तिक का निशान बना हुआ हो, और ना ही वैसे पत्थर मिले जैसे महाराणा प्रताप सेना संगठन द्वारा जारी की गई तस्वीर में नजर आ रहे हैं। दोस्तों, ऐसे लोगों पर लगाम लगाने की बहुत जरूरत है जो हमारे बीच के आपसी भाईचारे प्रेम को खत्म कर रहे हैं। हमारे बीच हिंदू मुस्लिम का नफरती बीज बोया जा रहा है। सरकार को ऐसे लोगों पर नजर रखनी चाहिए जो इस तरह देश में शांति को भंग कर रहे हैं। खैर, अजमेर की दरगाह को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं, और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज, क्योंकि जनता की आवाज खबर नहीं, मुहिम है। बदलाव हमसे है।